हेलो दोस्तों, मेरा विजय है और दोस्तों ये मेरे पास में इंडिया में बिकने वाली टॉप की SSDs, जहां पे मैंने ये 7 SSDs टेस्ट करी और इनमें से टॉप 5 आपके लिए पिक करी है। ये सारी ही NVMe M.2 SSD है, जो कि ट्रेडिशनल स्टाटा SSD से 6 टाइम्स फास्टर होती है और जो HDD आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे 20 टाइम्स ज्यादा फास्टर होती है। ये जो SSDs है, अगर आपने इनको अपने PC में लगा लिया या लैपटॉप में लगा लिया या फिर और भी सपोर्टेड डिवाइसेस में लगा लिया, तो भाई वो एकदम तूफानी फास्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी स्लो लैपटॉप है, अगर वो NVMe M.2 SSD को सपोर्ट करता है, तो भाई इन SSDs में आप अपग्रेड कर सकते हो। इवन इफ यू हैव अ न्यूअर गेमिंग लैपटॉप, तो आप बहुत ही ज्यादा फास्ट वाली, फॉर एग्जांपल 990 प्रो चूज कर सकते हो। तो कौन सी उसके लिए कौन सी SSD बनी गई है और क्या क्या आपको प्रोवाइड कराती है, कौन सी वर्थ रहेगी लेनी, कौन सी बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराती है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, जिसके लिए इस वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों जो SSD मैंने पिक करी है, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है ये WD की SN570 SSD। इसे WD बोलता है, WD ब्लू SSD, और ये भी एक NVMe M.2 जनरेशन 3 PCIe 3 वाली SSD है। इससे पहले SN550 करके एक मॉडल आता था, उसको मैंने अपने HP 15 लैपटॉप में बहुत टाइम तक यूज करा, वो भी बहुत अच्छी स्पीड देता था, और ये उसके बाद आया और उससे काफी अच्छी अपग्रेड लेके आया अपने साथ में, जहाँ पे हमें 3500 MB/s की रीड स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, एंड राइट स्पीड जो देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 3000 MB/s की, जो कि इसको हमारी लिस्ट में 5th स्पॉट पे लेके आता है। अब इस SSD को अगर आप यूज करते हो, भले ही आप डेस्कटॉप ले रहे हो उसमें SSD लगवानी है, या फिर लैपटॉप ले रहे हो उसमें एक फास्ट SSD लगवानी है, या फिर आप कोई हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप यूज कर रहे हो जिसमें एक NVMe सपोर्टेड स्लॉट है, उसमें भी आप लगा सकते हो फॉर नॉर्मल फास्ट बूटअप्स, फास्टर लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन, एंड इवन लाइट गेमिंग आप इसके साथ में कर सकते हो। ये अप टू 2 TB के कैपेसिटी के साथ में अवेलेबल है, और इसका जो प्राइस है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो राउंड फिगर 4600 इंडियन रुपीज है Amazon के ऊपर। लिंक उसका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप WD ब्रांड को जानते हो, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोरेज मैन्युफैक्चरर है, जो सैंडिस्क है वो भी WD के अंडर में ही आता है, तो आप इसको 5th नंबर पे दोस्तों कंसीडर कर सकते हो। एंड द रीजन कि ये 5th नंबर पे है, वो है इसका चौथा वाला नंबर, जो कि है हमारे पास में क्रूशियल का P3 सॉलिड स्टेट NVMe M.2 SSD, जहां पर अगेन ये भी PCIe 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जहां पे जिसको हम Gen 3 SSD भी बोलते हैं। ये भी सेम 3500 MB/s की रीड और 3000 MB/s की राइट स्पीड प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसका जो प्राइस है दोस्तों, वो रखा गया 4100 Amazon के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तभी मैं दोस्तों इसको ले रहा हूं 4th नंबर पे, और जो माइक्रोन है वो भी WD के ही लेवल का स्टोरेज मैन्युफैक्चरर है। मेनली ये जो है ना माइक्रोन, ये ज्यादातर SSD पे ही फोकस करता है, स्पेसिफिकली NVMe M.2 SSDs में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। अभी ना इसकी Gen 5 SSD भी आ गई, जो कि है T700 सीरीज, भाई वन ऑफ द फास्टेस्ट SSD है वो, और किसी से भी पूछोगे कि भाई माइक्रोन की क्रूशियल क्या है, मतलब चीज, तो आपको बता देगा, बहुत ही तगड़ा ब्रांड है। चौथे नंबर पे मैं इसको ले रहा हूँ। इसको भी आप चूज कर सकते हो फॉर फास्टर बूटअप, फास्टर फाइल ट्रांसफर, फास्टर डाउनलोड, सारा ही डे टू डे लाइफ का जो आपका काम है ना, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव काफी अच्छे से कर देगी। SSD जो NVMe रहती है ना, उनका फेल होने का रेशियो मतलब बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव फेकाल होती है भाई, थोड़ा सा फेक दो गिर जाती है, टूट जाती है, हमारा प्रीशियस डेटा जाने का चांस होता है, तो ये वाली मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा फ्रॉम अ रिलायबल ब्रांड क्रूशियल। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो हमने इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड करी है उनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि क्रूशियल का ही P3+, इसको मैं बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा था, ये इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 5500 के आसपास की अवेलेबल हो जाती है, 5000 MB/s की स्पीड अपने साथ में लेके आती है, विच इज गुड। लेकिन जो थर्ड नंबर पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ना, उसका प्राइस सिमिलर है और वो भाई इससे ज्यादा फास्ट निकल के आ रही है। तो ये क्रूशियल की P3+, अगर आप क्रूशियल के फैन हो तो परचेस कर सकते हो, नहीं तो थर्ड नंबर पे मैंने आपके लिए भाई पिक करके रखी है सैमसंग की 980 प्रो। अब भाई ये जो प्रो वाली सीरीज है ना सैमसंग की SSD की, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और मैंने जिसके भी मुंह से सुना है कि भाई कौन सी SSD आपके PC में लगी हुई है, अगर किसी के पास गेमिंग है, तो वो रेकमेंड करते हैं कि भाई सैमसंग की होनी चाहिए। और भाई सैमसंग मैंने टेस्ट करा, एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों NVMe M.2 है, Gen 4 पे बेस्ड है वाली, जिसको हम PCIe 4 बोलते हैं, ये वाली Gen 3 के कंपैरिजन में, PCIe 3 के कंपैरिजन में 2 times फास्टर रहती है भाई। तो ये वाली 7000 MB/s की स्पीड हमें प्रोवाइड करा रही है रीड स्पीड,
और राइट स्पीड 5100 एमबी पर सेकंड की ये वाली हमें प्रोवाइड करा रही है। इसमें सैमसंग बोलता है कि भाई एक निकल कोटिंग करके रखी है जो इसको ठंडा करके रखता है, बिकॉज ये वाली ना गेमिंग वगैरह के लिए रेकमेंडेड रहती है। इसमें आप हाई लेवल के एडवांस गेम खेल सकते हो, अगर आप कोडिंग करते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, जो कि बहुत ज्यादा भार डाल देता है प्रोसेसर के ऊपर, जिससे कि ओवरऑल जो कंप्यूटर गर्म हो जाता है। लेकिन ये जो एसएसडी है उस सिचुएशन में ये एफिशिएंट भी रहेगी और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी भी रहेगी बिकॉज ऑफ द निकल कोटिंग। ये वाली सैडली 2 TB तक के ऑप्शन में अवेलेबल है इंडिया में, 4 TB यहाँ पे दे देना चाहिए था, लेकिन 2 TB तक की अगर आपको एसएसडी चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ये 9000 रुपए की इंडिया में अवेलेबल है। आई नो प्राइस डबल हो गया भाई, लेकिन स्पीड भी डबल हो गई 7000 MB/s। और मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है ना, अगर वो आपको बेटर स्पीड प्रोवाइड करा रहा है तो भाई आपका बहुत टाइम बचा सकता है, आपका प्रीशियस डेटा भी ये वाली एसएसडी बचा सकती है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे जो मैं एसएसडी पिक कर रहा हूं ना हमारी लिस्ट में टॉप 5 में सेकंड पोजीशन में, वो है दोस्तों ये WD की ब्लैक एसएसडी और इसका जो मॉडल है वो है SN850X। अब ये जो SN850X है ना भाई, मेरी इस लिस्ट में सबसे फेवरेट थी, मैं सोच रहा था इसको फर्स्ट नंबर पे ले आऊं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं लेके आ पाया। तो भाई ये वाली लास्ट एसएसडी जो मैंने उठाई उससे 1000 रुपए कम है, ये 8000 की मिलती है भाई 1 TB के ऑप्शन में हमें, और भाई इसकी जो स्पीड निकल के आ रही है ना 7300 MB/s रीड स्पीड निकाल के दे रही है ये वाली मोस्टली गेमिंग फोकस्ड है, लेकिन मैं आपको भाई डे टू डे लाइफ में भी ये रेकमेंड करूंगा। बहुत ही ज्यादा ठंडी रहती है ये वाली एसएसडी और भाई जैन 4 की जो मैक्सिमम लिमिट है ना, ये उसको टच करती हुई नजर आ रही है। 7300 MB/s इज अ लॉट, बहुत फास्ट काम करती है उससे ये वाली। और WD एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड भी है, आपका डेटा इसमें सिक्योर रहेगा और भी बहुत सारे फीचर्स के साथ में आ जाती है, जैसे कि एक गेम मोड 2.0 WD बोलता है दे के रखा हुआ है इस SSD के साथ में हमें। लेकिन मैं गेमिंग करता नहीं हूं तो वो चीजें मैंने टेस्ट नहीं करी, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड्स निकल के आ रही है ना, वो भाई बहुत बहुत ज्यादा फास्ट निकल के आ रही है। फिर दोस्तों नंबर 1 SSD के बारे में बात करते हैं हमारी लिस्ट में, वो है भाई ये सैमसंग की 990 प्रो। और भाई ये वाली जो SSD है ना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है और ये टच करती है हाईएस्ट स्पीड जो कि हमें PCIe 4 आर्किटेक्चर प्रोवाइड कराता है, जहां पे हमें 7450 MB/s की रीड स्पीड मिलती है एंड यहाँ पे राइट स्पीड है 6900 MB/s की, जो कि इसको सबसे फास्ट PCIe Gen 4 SSD बनाती है हमारी लिस्ट के अंदर, जहाँ पे भाई गेमिंग के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है। गेम मोड भी देके रखा है सैमसंग ने, निकल कोटिंग इस वाली SSD में भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। सारी ही SSD में जो सबसे ठंडी SSD लगी ना, वो ये वाली SSD लगी। बहुत जल्दी अगर आप AC भी चला रहे हो तो एकदम कूल टेम्परेचर ना एकदम एब्जॉर्ब कर लेती है वाली। इसकी एक बढ़िया बात मुझे ये लगी कि भाई ये PS5 वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो, एकदम हाई लेवल गेमिंग कंसोल्स में आप इसको यूज कर सकते हो फॉर अ बेटर स्पीड। और इसके ऊपर अगर आपको लेनी है तो भाई फिर जेन 5 के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि क्रूशियल की T700 SSD जो है वो यहां पे 11000 के आसपास की स्पीड प्रोवाइड कराती है, बिकॉज़ जेन 5 SSD है वो प्राइस भी ज्यादा होता है, वो 22-25 हजार के आसपास पहुंच जाती है। ये वाली 11000 के आसपास की अवेलेबल रहती है अमेजोन पे। वैसे ये सारी जो मैंने SSDs आपको दिखाई है ना भाई, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स के साथ में मैंने ये SSD बनाई है। और भाई ये जो टिंगस्टन की थी ये मैंने किसी चीज में भी इंक्लूड नहीं करी, बिकॉज इसकी रिपोर्ट इतनी ठीक ठाक नहीं निकल के आई। तो ये सारी SSD जो होती है ना भाई, बेसिकली ये क्या होता है कि ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है, ताइवान 80-90% स्टोरेज डिवाइसेस का हब है, एक वहीं पे सब मैन्युफैक्चर होता है। इवन अगर आपको एक SSD बनानी है आप ताइवान चल जाओ, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है आपके नाम से ही बना के दे देगी, जैसे कि मेरा नाम है विजय, तो विजय NVMe M.2 SSD। तो भाई वो सारी चीजें अलग है, लेकिन ये जो ब्रांड्स होते हैं ना बनवाते हो सब ताइवान से हैं, लेकिन भाई अपना थोड़ा बहुत इनोवेशन लगा देते हैं कि क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, कैसी डिजाइन होनी चाहिए, कूलिंग कैसे प्रोवाइड करानी है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करानी है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें एड ऑन करके अपनी स्पीड, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उस पे भाई अपनी स्पीड वगैरह का अंदाजा ये लोग खुद लगाते हैं। तो रिलायबल ब्रांड्स जैसे कि WD, क्रूशियल, सैमसंग ही मैंने पिक करे, आप इस लिस्ट में से कोई भी SSD ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मोटिवेशन सा नहीं मिलता है भाई, तो जरूर से सब्सक्राइब करके ही दोस्तों जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई वो भी कर लेना, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।